गंगानगर से, जहां पर एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। दो कनिष्ठ सहायक को यहां पर एसीबी की ओर से ट्रैप किया गया है। कृषि उपज मंडी के कनिष्ठ सहायक मोहनलाल और संतलाल को यहां पर एसीबी की ओर से रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया। आपको बता दो, दोनों सहायकों की ओर से 10,000 की रिश्वत की मांग की गई थी और दोनों कनिष्ठ सहायकों को यहां पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की ओर से धर दबोचा गया। निर्धारित फीस के अलावा यहां पर खर्चे पानी के लिए राशि भी सहायकों की ओर से मांगी गई थी और उसी को लेकर एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है पूरा मामला है। फिलहाल एसीबी की टीम की बात करें तो आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दो घुसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो कृषि उपज मंडी समिति कटसिंहपुर है, वहां पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहां के जो घुसखोर है मोहनलाल कनिष्ठ सहायक और संतलाल कनिष्ठ सहायक, इन दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई है एसीबी के डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने की है। इस पूरी कार्रवाई के बाद में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के घर पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, घर की सर्च कर रही है और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और इस पूरे प्रकरण के अंदर और भी लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण के अंदर और कौन कौन भूमिका है, 10,000 की रिश्वत है और किस किस में बंटवारा होना था इनका, तो एसीबी की टीम अब हर एंगल से जांच कर रही है। डीजी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी सेवन मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो डीआईजी कैलाश विश्नोई है जोधपुर रेंज के, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए नवीन, आपने सही कहा कि वाकई ही अब आगे जब पूछताछ होगी तब कह सकते हैं कि पूरा मामला निकलकर सामने आएगा कि वाकई ही और भी कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे या फिर जो ये रकम यहाँ से ली गई थी किन किन लोगों में इसका बंटवारा होने वाला था। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि मामला क्या था, किस एवज में यहाँ पर ये रिश्वत की मांग की गई थी और साथ ही ये क्या वाकई सिर्फ 10,000 रिश्वत की मांग की गई थी या पहले किस यहाँ पर 10,000 ली गई थी? देखिए बिल्कुल, एक परिवादी था एसपी के पास पहुंचा था, उसे शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको पक्की अड़क की उसकी दुकान थी, पक्की अड़क का लाइसेंस लेने के लिए उसने रिश्वत की डिमांड और खर्चे पानी के लिए उससे लगातार रिश्वत की डिमांड कर रही थी। 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी तो 10,000 रुपए में इसका गोपनीय वेरिफिकेशन हुआ और वेरिफिकेशन होने के बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो मोहनलाल कनिष्ठ लिपिक और संतलाल बिल्कुल नवीन, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।